तो यार सबसे पहले तो मैं 100% गारंटी के साथ बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद सभी यूजर अपने घर पे भोबा से बिल्कुल फ्री में प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाएगा। तो दोस्तों भोबा का अनलिमिटेड रेफर ट्रिक मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ, तो यार वीडियो को लास्ट तक का जरूर वॉच करना, वो भी OTP बाईपास ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आपको कोई भी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ईमेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ टाइम की, 5 से 10 मिनट टाइम दो एंड दोस्तों बिल्कुल फ्री में एक प्रोडक्ट जो है आप लोग भोबा से ले ही लोगे 110% गारंटी के साथ, मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक ट्रिक स्पेशलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन आप देख रहे हो वहां पे प्रेस कर देना है। दोस्तों प्रेस करने के बाद पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आ रहा है ना, इसको भी ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो यार अभी का भी एक लाइक कर दो, क्योंकि यार आप लोग को 110% एक ना एक प्रोडक्ट तो बिल्कुल फ्री में मिलने ही वाला है भोबा की तरफ से। तो यार भोबा पहले भी बहुत लुटा चुका है, तो आप लोगों ने अगर पहला वाला वीडियो नहीं दिखाई तो यार देख सकते हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना, जरूर से जरूर लास्ट तक का देखना, तभी आप लोग जाके पूरा का पूरा ये ट्रिक जो है समझ पाओगे। दोस्तों ट्रिक थोड़ा डिफरेंट है तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर वॉच करना। तो दोस्तों ये ट्रिक आपके मोबाइल पे अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए भोबा एप्लीकेशन और आइसलैंड। तो दोस्तों भोबा एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाके भोबा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और दोस्तों आइसलैंड एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आइसलैंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले भोबा एप्लीकेशन ओपन करना होगा एंड दोस्तों यहाँ पे भोबा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो है फ्री बीस का ऑप्शन मिलेगा, तो फ्री बीस पे जो है आ जाना है, ठीक है। तो फ्री बीस पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे देख लो मेरे पास अभी 21 डायमंड है एंड दोस्तों अभी आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स टू डाउनलोड ऐप, ठीक है, यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स टू डाउनलोड ऐप पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पे अपने किसी भी एक फ्रेंड को जो है अपना रेफरल लिंक शेयर कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना रेफरल लिंक जो है शेयर कर दिया अपने फ्रेंड के पास, ठीक है, यहाँ पे देख लो यहाँ पे नीचे मेरा रेफरल लिंक जो है शो कर रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को सिंपल सा करना क्या है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी 21 डायमंड है एंड दोस्तों अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव जो है रेफर बाईपास करके दिखाने वाला हूँ। तो यार आइसलैंड को आपको सबसे पहले ओपन कर देना एंड दोस्तों ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, तो 5 सेकंड का टाइम यहाँ पे दे देना, 5 से 10 सेकंड। तो दोस्तों वो वाला प्रोसेस खत्म होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा आएगा, तो दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा प्रोसेस आता है तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, यहाँ पे 5 से 10 सेकंड और वेट कर लेना, तो दोस्तों आप लोगों को जो है ऑटोमेटिकली फोन के बाहर रिडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, आपको इस बार बाहर निकलते ही दोस्तों आप लोगों को आइसलैंड को जो है बैकग्राउंड से कट कर देना है, उसके बाद आप लोगों को 5 से 10 सेकंड वेट करना है, उसके बाद जाकर आपको आइसलैंड को ओपन करना है। तो दोस्तों मैंने 5 से 10 सेकंड जो है वेट कर लिया, अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा आइसलैंड को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आइसलैंड ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा क्रोम और गूगल प्ले स्टोर, ओके। तो दोस्तों आप लोगों को इस पर कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे मेन लैंड का बटन मिलेगा नीचे, तो आप लोग यहाँ पे मेन लैंड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च बार पे आपको लिखना है जीमेल, ओके। आपको यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, जीमेल, ओके। जीमेल लिखने के बाद आप लोगों को इसके ऊपर टैप करना है एंड दोस्तों टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो है एक प्लस का आइकन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्लस के आइकन पे जो है क्लिक कर देना है एंड दोस्तों जीमेल इज क्लोन सक्सेसफुली, ओके। तो यहाँ पे जीमेल एक क्लोन हो जाएगा, तो दोस्तों अभी जीमेल क्लोन होने के बाद आप लोगों को आइसलैंड को कट कर देना है, ठीक है। तो कट करने के बाद यार देख सकते हो अभी मेरा जीमेल का एक क्लोन बन चुका है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सा जीमेल का इस क्लोन को जो है ओपन कर लेना होगा। तो करने के बाद यार देख सकते हो न्यू इन जीमेल, ओके, यहाँ पे आप लोगों को गॉट इट पे क्लिक करना है एंड गॉट इट पे क्लिक करने के बाद एड एन ईमेल एड्रेस, ओके, आपको यहाँ पे एड एन ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है एंड दोस्तों आपको गूगल सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको गूगल सिलेक्ट करने के बाद कोई भी एक जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको सिंपल सा लॉग इन हो जाना है, आप लोग कोई भी डाल सकते हो दोस्तों, जिसका आपको पासवर्ड मालूम है वही सिंपल सा डाल देना। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे जीमेल आईडी एंड पासवर्ड जो यहाँ पे एंटर कर दिया है दोस्तों, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सिंपल सा मेरे जीमेल आईडी से जो है मतलब जीमेल एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लो यहाँ पे चेक इन इन्फो बता रहे हैं दोस्तों, ये जो है मतलब प्रोसेस हो रहा है, अभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, देखना मेरा जीमेल आईडी जो यहाँ पे लोड ले चुका है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे टेक मी टू जीमेल पे क्लिक करना है, टेक मी टू जीमेल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा आएगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट ओके कर देना, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 3 लाइन मिलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है एंड दोस्तों आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद यार देख सकते हैं आप लोगों को एक पेंसिल का आइकन या तो प्लस का आइकन मिलेगा, आप लोगों को प्लस का आइकन या तो पेंसिल का आइकन पे क्लिक करना है एंड दोस्तों क्लिक करने के बाद यार देख सकते हैं आपको 2 मिलेगा, तो 2 में आपको कोई एक दूसरा सा जीमेल आईडी एंटर करना है। तो दोस्तों मैं यहां पे दूसरा एक जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूं 2 पे, ठीक है। अभी आप लोगों को व्हाट्सएप ओपन करना है एंड दोस्तों व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपका जो रेफर लिंक था उसको यहां पे सिंपल से ऐसे करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों मैंने इसको जो है कॉपी कर लिया एंड दोस्तों कॉपी करने के बाद आप लोगों को यहां पे कॉम्पोज ईमेल पे इसको ऐसे करके पेस्ट कर देना है, ठीक है।
दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टू पे मैंने दूसरा जीमेल आईडी एंटर किया है दोस्तों। मैंने कंपोज ईमेल पे मैंने अपना रेफरल लिंक पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है सेंड का बटन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सेंड इसको कर देना है। तो सेंड करने के बाद यार ये कट हो सकता है ऑटोमेटिकली, एंड कट होने के बाद यार देख सकते हैं ये कट हो चुका, ठीक है। अभी आप लोगों को वर्क जीमेल को और वर्क ये सब कट कर देना है। जीमेल को पूरा तरीके से कट करने के बाद आप लोगों को इस बार जीमेल को ओपन कर लेना है, एंड दोस्तों थ्री लाइन पे क्लिक करके फिर से सेंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा रेफरल लिंक जो है मेरे जीमेल आईडी पे मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। अभी आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे जो जीमेल आपने जो ये मिला आपका रेफरल लिंक पे आप सिंपल सा क्लिक कर दो, ठीक है। अब आके क्लिक कर दो, एंड दोस्तों यहाँ पे क्रोम ओपन होगा, एंड दोस्तों आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये आई एम इन कर देना, ठीक है। आप कोई भी जीमेल आईडी, एक ही जीमेल आईडी अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे गेट इट फ्री पे क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यार देख सकते हो ये प्ले स्टोर पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, एंड दोस्तों प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यार देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है, लेकिन मेरे फोन में तो भोबा एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, फिर भी इंस्टॉल का बटन क्यों आ रहा है। तो यार मैं अभी आप लोगों को जो है मतलब राज बताता हूँ। यहाँ पे देख लो मैंने इसको बैक किया, एंड दोस्तों यार देख लो यहाँ पे क्या वर्क वर्क नाम से क्या है दोस्तों, यार यहाँ पे देख लो वर्क जीमेल, अभी यहाँ पे प्री बिज यहाँ पे कुछ ऐसा करके आ रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे देख लो यार यहाँ पे वर्क प्ले स्टोर, वर्क प्ले स्टोर का मतलब क्या है दोस्तों, ये आइसलैंड का प्ले स्टोर है, ठीक है। दोस्तों ये आइसलैंड का प्ले स्टोर है, एंड दोस्तों यहाँ पे जो ये क्रोम ओपन हुआ ना ये भी आइसलैंड का है, ठीक है, ये आइसलैंड का है। दोस्तों आप फोन के अंदर एक और फोन आपको मिल चुका है, तो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे भोबा पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये जो ये इंस्टॉल होगा, लेकिन आपका कोई भी डाटा जो यूज नहीं होगा, आपको नेट डाटा देना ही नहीं है, बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा, आपके मोबाइल से डिटेक्ट कर लेगा, आपको 1 MB भी डाटा देने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पे सिंपल सा ओपन पे क्लिक करना है, एंड दोस्तों ओपन पे क्लिक करने के बाद यार देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ओपन करते हैं दोस्तों, आपके सामने आप डायरेक्टली इस पेज में आ जाओगे, ठीक है। इस पेज में आने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपल सा करना क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अभी आप लोगों को यहाँ पे बैक करना है थोड़ा सा, एंड दोस्तों बैक करने के बाद यार आपको यहाँ पे मी वाले सेक्शन पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मी वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है, साइन इन पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर, ओके। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई नाम एंटर करना है, कुछ भी नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। कुछ भी नाम एंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी जीमेल आईडी भी एंटर कर देना है, ऐसे करके मैं यहाँ पे कुछ भी जीमेल आईडी जो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, एंड .com, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं .com जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड सिलेक्ट करना है, एक छोटा मोटा कोई भी पासवर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों मैं यहाँ पे भी जो है पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, दो बार आपको पासवर्ड एंटर करना है, और आप लोगों को बर्थडे एंड सरप्राइज ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों देख लो यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है डाल दिया है। अभी डालने के बाद दोस्तों आप लोग सिंपल सा रजिस्टर पे जो है क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यार देख सकते हो रजिस्टर मैंने जो यहाँ पे कर लिया। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या बता रहा है, यू हैव 150 कॉइंस फॉर दिस टास्क, चेक कॉइंस पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड दोस्तों यार देख सकते हो मुझे जो है साइन अप बोनस डायमंड्स कुछ मिल चुका है, ठीक है। अगर आपको साइन अप बोनस अगर आपको फेक अकाउंट में कुछ मिल जाता है, तो दोस्तों आप समझ लेना आपका जो है रेफरल काउंट हो चुका है, या फिर अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने अगर ऐसा आता है कि गेट इट ऑल फ्री, तो आप समझ लेना आपका रेफर जो काउंट हो चुका है। तो यार कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी प्रीबीज पे क्लिक करता हूँ, एंड यार देख लो यहाँ पे मुझे साइन अप बोनस में कुछ डायमंड मिला है या फिर नहीं। तो दोस्तों यार देख सकते हो मुझे साइन अप बोनस 7 डायमंड मिल चुका है, ठीक है। अभी आप लोग देख लो मुझे नोटिफिकेशन आया कि नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन तो मुझे अभी तक नहीं आया है भोबा की तरफ से, लेकिन दोस्तों अभी जो है मैं अगर भोबा के अंदर जाता हूँ तो मेरा रेफर 110% काउंट हो गया होगा, ठीक है। अभी देख लो मुझे साइन अप बोनस यहाँ पे 7 डायमंड मिल चुका है। अभी मैं भोबा का मेन एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ठीक है। तो भोबा का मेन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे जो है ओपन कर लिया। अभी ओपन करने के बाद यार देख सकते हो यहाँ पे मैं फ्री बीच पे जो है क्लिक करता हूँ, एंड यार यहाँ पे देख लो लोडिंग ले, एंड बूम गाइस यार देख सकते हो मुझे जो है 3 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिल चुका है। ना मैंने कोई नंबर यूज किया, ना मैंने कोई ईमेल आईडी यूज किया, बस एक ही ईमेल आईडी आपको जीमेल पे ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हो मुझे नोटिफिकेशन भी आ चुका है, यार देख लो यहाँ पे नाउ लिखा है, एंड दोस्तों मुझे नोटिफिकेशन भी जो है आप लोगों के सामने ही आ चुका है कि यार मेरा रेफरल जो है काउंट हो चुका है। तो यार देख लो यहाँ पे कुछ गलत सा नाम की तरफ से आया है, तो यार देख लो मैंने आप लोगों के सामने लाइव जो है रेफर बाईपास करके दिखा दिया। तो अगर आपने अभी तक ट्रिक स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन करके इस आइसलैंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रेफर बाईपास कर लो यार, 100% आप लोग फ्री में प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाओगे। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है प्लेस ऑर्डर करके दिखा देता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे रिडीम फ्री बीज पे क्लिक करना है, एंड दोस्तों रिडीम फ्री बीज पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिडीम फ्री बीज पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर करने वाला हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये वाला हेडफोन ऑर्डर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 डायमंड पे जो है क्लिक करता हूँ, एंड दोस्तों यार यहाँ पे मैंने जो है इसको क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो 20 डायमंड। यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है, एंड दोस्तों बाय पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है शिपिंग एड्रेस सबसे पहले ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो एड्रेस सबसे पहले देना है, तो मैं एड्रेस को जो है फिलअप कर लेता हूँ।
तो गाइज यार देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है फिलअप कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा ऐड पे क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा एड्रेस जो है यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया। अभी मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अभी आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखो, अभी आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ भी पैसा जो है पे करने के लिए नहीं पड़ेगा, आपको जीरो रुपीज़। ओके, अभी आप लोग यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है, आप लोग यहाँ पे जो है एक पैन नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पैन नंबर एंटर करना है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और मैं आप लोगों को अभी भी बता देता हूँ, इसको डालना है KMTPS। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पे थ्री आपको KMTPS, इसके बाद आप लोगों को कुछ भी रैंडम नंबर जो एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पे देख लो KMTPS। अभी मैं एंटर कर देता हूँ 5576 एंड एक लास्ट में एक अल्फाबेट। ओके, मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का बटन आ चुका है। देखो मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहला पांच लेटर जो है सही डालना है, KMTPS एंड दोस्तों उसके बाद KMTPS, उसके बाद आपको पांच लेटर कुछ भी डाल देना है, चार नंबर और एक लेटर कुछ भी, ठीक है, आपके हिसाब से। एक ही डालोगे तो नहीं होगा, अलग अलग डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे UPI सिलेक्ट करता हूँ, शायद मुझे 1 रुपीज़ जो है पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे UPI को अभी सिलेक्ट किया है। दोस्तों UPI सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे मैंने जो है क्लिक कर दिया। अभी आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 रुपीज़ आपको पे करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 रुपीज़ को सिंपल सा पे कर देता हूँ। यार देख सकते हो यहाँ पे 2 रुपीज़ पे करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 रुपीज़ को पे करके आप लोगों को जो है दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है 2 रुपीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे UPI का जो है सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं UPI ID से जो है मैं 2 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज यार मैंने यहाँ पे जो है 2 रुपीज़ सक्सेसफुली यहाँ पे कर दिया है। एंड दोस्तों 2 रुपीज़ पे करने के बाद यार देख लो यहाँ पे सक्सेसफुली है। एंड दोस्तों मुझे यहाँ पे 40 रुपीज़ का कुछ कॉइन्स वगैरह मिला है। तो दोस्तों आपको उससे काम नहीं है, अभी मैं चेक ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। एंड दोस्तों यार देख सकते हो ऑर्डर अभी प्रोसेसिंग में, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये शिपिंग हो जाएगा एंड शिपिंग होने के बाद ऑर्डर जो है हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप लोग देख लो यहाँ पे 143 रुपीज़ इसका प्राइस था, ये कितना बता रहा है शिपिंग फ्री। एंड दोस्तों कूपन कितना अप्लाई हुआ, 141 माइनस हो गया। मुझे पे करना कितना पड़ा, 2 रुपीज़। यहाँ पे देख लो ग्रैंड टोटल 2 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने जो है लाइव बिल्कुल फ्री में प्रोडक्ट ऑर्डर करके दिखा दिया। तो दोस्तों अभी भी देख सकते हो मेरा वॉलेट से डायमंड जो है कट गया होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बैक करता हूँ एंड यार बैक करने के बाद अभी शो कर रहा है, लेकिन मैं एक बार बैक करता हूँ एंड फिर से फ्री बीस पे आता हूँ। एंड दोस्तों देखना मेरा वॉलेट से डायमंड जो है कट गया होगा, 20 डायमंड। अभी देख लो मेरे वॉलेट में 4 डायमंड पड़े हुआ है। तो दोस्तों अभी मेरा 20 डायमंड तो कट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं फिर से रेफर बाईपास करके, कोई तो नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है, मैं फिर से जो है रेफर बाईपास करके फिर से एक ऑर्डर करने वाला हूँ। तो यार आप लोग भी करो, अच्छे से लूटो यार। तो आप लोग को इसको अनलिमिटेड टाइम अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। अभी आप लोग को अनलिमिटेड टाइम करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा आइसलैंड के ऐप इन्फो में आ जाओ, ठीक है। सॉरी, पहले आप लोग को आइसलैंड ओपन करना है। एंड दोस्तों ओपन करने के बाद आप लोगों को ऊपर जो यहाँ पे 3 लाइन मिलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है एंड सेटिंग। ओके, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सेटअप एंड शट डाउन एंड यहाँ पे आइसलैंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको डिलीट का बटन मिलेगा, डिलीट पे क्लिक करके डिस्ट्रॉय। ओके, तो डिस्ट्रॉय पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ से देखना भोबा का क्लोन और जीमेल का क्लोन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो हट गया। अभी हटने के बाद आप लोगों को दोस्तों आइसलैंड का ऐप सेटिंग में जाना है, ठीक है। आइसलैंड का मैं ऐप सेटिंग में आता हूँ। एंड दोस्तों आइसलैंड का ऐप सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसका क्लियर डाटा सबसे पहले करता हूँ, ठीक है। तो आइसलैंड का क्लियर डाटा करने के बाद दोस्तों आप लोगों को आइसलैंड को अनइंस्टॉल कर देना होगा, ठीक है। आइसलैंड को आपको अनइंस्टॉल कर देना है, लेकिन दोस्तों आपने आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा तो दोस्तों टेलीग्राम से जो है आइसलैंड डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से बिना कोई नेट डाटा यूज़ किए आइसलैंड को फिर से जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एंड गाइस यार देख सकते हो यहाँ पे ओयो का है, तो यार यहाँ पे देख लेता हूँ आइसलैंड का लिंक का है। एंड दोस्तों यहाँ पे आइसलैंड का लिंक जो है मुझे मिल चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है दोस्तों, यहाँ पे आइसलैंड का लिंक है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं बेस APK पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों देख लो मेरा पहले से डाउनलोडेड है, इसीलिए मेरा जो है फिर से नेट MB नहीं लगा। तो दोस्तों आप लोग एक बार डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे आइसलैंड को, तो दोस्तों आप अनइंस्टॉल करो या जो भी करो टेलीग्राम से फिर से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे मेरा जो है डाउनलोड फिर से हो चुका है। अभी आपको फिर से सेम प्रोसेस करके आप लोग जितना चाहे डायमंड लूट लो। तो यार इतना धमाकेदार ट्रिक देने के लिए, अगर आप वीडियो को इतना लास्ट तक वॉच कर रहे हो तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आया होगा। एंड दोस्तों आप इसको अप्लाई करने वाले हो, तो अप्लाई करने से दोस्तों यार एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। अभी के अभी करके निकल जाओ अपने काम पे, रेफर वापस करके लूट लो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल।